सोनभद्र में वन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ने नेचर ट्रेल पर ट्रैकिंग का शुभारंभ किया। सोनभद्र में आए वन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ने उत्तर प्रदेश वन निगम इको टूरिज्म के द्वारा सोन एडवेंचर का उद्घाटन किया। मंत्री ने नेचर ट्रेल ब्रोशर का विमोचन एवं 25 ट्रैकर्स को झंडी दिखाकर ट्रैकिंग के लिए रवाना करके किया। ट्रैकिंग टीम प्रदीप मोहंतो ऑपरेशनल हेड सोन एडवेंचर के निर्देशन में रवाना की गई। सोनभद्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वन विभाग ने बड़ी शुरुआत की, जिससे जिले में रोजगार के साथ साथ आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करेगा। इसी के तहत वन ने संयुक्त तत्वाधान में नेचर ट्रेल का शुभारंभ डॉक्टर अरुण कुमार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वन पर्यावरण जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। नेचर ट्रेल में ट्रैकिंग कैंपिंग एवं अन्य साहसिक गतिविधियों के संचालन का कार्य सोन एडवेंचर द्वारा किया जाएगा। पर्यटक अपनी सुविधा अनुसार O0+0 इको टूरिज्म एवं सोन एडवेंचर की वेबसाइट www.opectourism.in www.sonadventure.com से अपनी बुकिंग करा सकते हैं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर अरुण कुमार ने भी इस प्रोजेक्ट एवं इस तरह के कार्यों की सराहना करते हुए जनपद में पर्यटन एवं साहसिक पर्यटन के पोटेंशियल को बताया। उन्होंने कहा कि यहाँ के विभिन्न पर्यटन स्थलों की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ पर पर्यटन एवं साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने का उद्देश्य यहाँ से हो रहे पलायन को रोकना तथा पर्यटन एवं साहसिक पर्यटन के माध्यम से रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर सोन एडवेंचर ने साहस से रोजगार नामक एक नए प्रोजेक्ट का भी शुभारंभ किया है। खबर जगत के लिए सोनभद्र से मनोज सिंह राणा की रिपोर्ट। जो ये एडवेंचरस का फील्ड तुमने ऑप्ट किया है, कैसे प्रेरणा मिली, किसने बताया? हो जाएगा, सब निकल जाएंगे, कर लीजिए आप लोग, जो नहीं हुआ उनको करा। टीचर ने बताया, सर बताया। क्या बताया सर? बोले हैं कि चलो तुम लोग टूर पहले चलता है, एडवेंचर करना, फिट भी रहोगे और नेचर को भी जान पाओगे। अच्छा, तो क्या डर लगता है इसमें जब एडवेंचर का कोई? तो डर लगता है, एडवेंचर है, अच्छा लगता है ये। तो क्या कहना चाहोगी जो इस फील्ड में जो बच्चों और हैं जो कैंडिडेट हैं उनके लिए, क्या कहना चाहोगी, कितना ये बेनिफिट रहेगा बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए? अच्छा रहेगा, बेनिफिशियल है, क्योंकि अगर हम नेचर के पास जाते हैं, एडवेंचर करते हैं, तो हम नेचर को अच्छे से जान पाते हैं और वो हमारे बॉडी के लिए भी अच्छा होता है, फिट भी रहता है, करना चाहिए। आवाज़ें उठती हैं, लेकिन इसको जो है ज़मीनी स्तर पे जो है यहाँ पे लागू नहीं कराया जा सका है। सरकार कई बदल गई, लेकिन अभी भी वही दशा है। आज कुछ मतलब यहाँ पे देखने को मिला है, किस तरह का प्रोग्राम से यहाँ पे आगे बढ़? आपने बिल्कुल सही कहा, अभी तक पर्यटन की खाली बात हुई लेकिन कोई काम नहीं हुआ, लेकिन आज पर्यटन इको टूरिज्म के मामले में काम शुरू हुआ। हमारा वन निगम और सोनू एडवेंचर्स के सहयोग से, सोन एडवेंचर्स के सहयोग से यहाँ पर इको टूरिज्म का ट्रैकिंग शुरू हुआ, और अब यहाँ से नौजवान ऊपर जाएंगे, चढ़ेंगे, रुकना चाहेंगे तो वहाँ उनके रुकने के लिए भी अपना बिस्तर लेके जाएंगे, रुक भी सकते हैं, और इस तरह के सुरक्षित उनके रहने का भी स्थान है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आराम से जाएँ, बच्चे ट्रैकिंग करें, अपना साहस बढ़ाएँ, साहस जो बढ़ाएगा उनके साथ में गाइड्स भी जाएंगे, इस तरह से लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा और लोगों की फिटनेस बढ़ेगी। और आज के समय में जो फिट है वही हिट है, और लोगों में नौजवानों में साहस बढ़ेगा, नौजवानों में कुछ करने की स्फूर्ति पैदा होगी, और साथ साथ यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, इको टूरिज्म डेवलप होगा। सरकार की तरफ से किस तरह से मतलब यहाँ पे सहयोग दिया जाएगा? सरकार ने सब काम शुरू कराया है, शर्मा जी हमारे वन निगम है और ये सोन एडवेंचर्स हैं, ये दोनों मिलकर कर रहे हैं, और पूरी मदद करी जाएगी लोगों की। सर, यहाँ की एक सबसे बड़ी जो समस्या है, जो इंडस्ट्रीज है यहाँ पर, उससे जो वेस्ट निकलता है वो सीधे नदियों में जाता है और उसके बहुत सारी जो है कि जो ज़मीनें हैं वो ख़राब हो रही हैं। इस पर लगातार लोग आवाज़ उठा रहे हैं, उससे प्रदूषण तो फैल रहा है लेकिन जो युवा पीढ़ी है वो भी उससे खराब हो रही है। आप हमें लेके दीजिए, हम जांच कराएंगे। इसकी मांग तो लगातार यहाँ के लोग उठा रहे हैं। लोग उठा रहे होंगे, आप मुझे लिख के दीजिए कहाँ की है, कौन सी फैक्ट्री है, किस जगह की है, क्या एरिया ख़राब है। मैं पानी की जांच कराऊंगा, वहाँ की पूरी जांच कराऊंगा, जो यहाँ से ऐसा हो रहा है उसको एक्शन लूँगा। 300 से अधिक गाँव है जहाँ फ्लोराइड की समस्या है, जहाँ पे विकलांग लोग हो जा रहे हैं। फ्लोराइड से लोग
जो पानी पीते हैं फ्लोरोसिस होती है, उससे उन्हें खड़े होने में चलने में दिक्कत होती है, फ्लोराइड का बढ़ जाता है। और इसके लिए आप हमें बताइए किन गाँवों में, हम आपके आभारी होंगे और वहाँ पर इंतजाम ऐसा कराएंगे कि लोगों को फ्लोरीन के बिना का पानी मिले, ऐसा पानी मिले जिसमें फ्लोरीन ना हो, तो ताकि फ्लोरोसिस नहीं होगा। आप हमें लिख के दीजिए, हम आपके आभारी होंगे। सर, इतनी बड़ी समस्या है तो क्या जिले से कोई रिपोर्टिंग ऊपर नहीं जाती है? देखिए, जिले से जाती होगी, वो सब जाती है। हम तो आपसे कह रहे हैं आप हमें लिख के दे दो आज ही और अभी, सिर्फ इतना लिख दो इस गाँव में फ्लोरीन का पानी आ रहा है, हम उसकी अभी जाँच कराएंगे, आज ही दे के जाएंगे। जिस क्षेत्र में आप जा रहे हैं वहीं समस्या है जो है? ठीक, हम वहाँ पे दिखवाते हैं और तमाम जो फैक्ट्रियां हैं, और हम आपके आभारी हैं कि आपने हमें एक समस्या बताई। हम समस्या सुनने आते हैं और निराकरण करने आते हैं। ठीक सर।